हेलो हाय नमस्कार पब्लिक, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। नया मौसम, नया दिन, नई खिड़कियाँ। देखिए पब्लिक, नई खिड़कियाँ लग चुकी है और दरवाजे भी लगभग सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ। चलिए पब्लिक, तो देखिए पब्लिक, हमारे सारे दरवाजे कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, एक दरवाजा रह गया, बाकी सब दरवाजे लग चुके हैं। देखिए एक दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ है, ये किचन का दरवाजा है और खिड़कियाँ देख सकते हैं आप पीछे को। हमारे दो मिस्त्री जी, आलोक प्रकाश मिस्त्री जी, इंद्रदेव जी, सारे खड़े हुए हैं यहाँ पर लाइन बारी से। तो ये दूसरा दरवाजा है, इसके साथ ही देखिए यहाँ पर ये है हमारा वॉशरूम। तो ये यहाँ से पीछे लंबाई पीछे तक है, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये है हमारे वॉशरूम का दरवाजा और ये यहाँ तक है पीछे, देखिए यहाँ आगे से लेकर यहाँ लास्ट पीछे तक। और इसके साथ में ये यहाँ पर दूसरा रूम, तो यहाँ से पार्टीशन होगा इसका बीच से। देखिए यहाँ पे लाइन बारी से नीचे को ये ईंटें रखे गए हैं, यहाँ से बीच से पार्टीशन करेंगे। ये इस तरफ का वॉशरूम हो गया और इस तरफ का ये रूम आ गया, और इसके साथ ही पर किचन है हमारा इस रूम के जस्ट दूसरी तरफ। और इस वॉशरूम के साथ ही अटैच्ड है, मतलब कि एक पिलर है, पिलर के इस तरफ को एक रूम है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ा रूम है यहाँ पर, और इस रूम की खिड़की वो पीछे रही देखिए। और इसके साथ ही दूसरा दरवाज़ा भी एक, मैं उसके अंदर भी जाकर दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो ये रहा वॉशरूम का दरवाज़ा, ये एक रूम, और इसी के साथ है ये दूसरा रूम। यहाँ पर देखिए ये है दूसरा रूम, और ये दोनों, ये वाला रूम और वो वाला रूम अभी एक ही नज़र आ रहा है आपको, अभी पार्टीशन नहीं हुई है अभी। तो जैसे ही इस पिलर से उस पिलर को बीच में पार्टीशन कर देंगे ये लोग, तो ये दो रूम हो जाएंगे। उसकी दूसरे रूम की खिड़की वो नज़र आ रही है आपको, और इस रूम की जिसमें मैं खड़ा हूँ इसकी खिड़की ये है। और ये रही हमारी दूसरी पार्टीशन, इसकी दूसरी तरफ है हमारा हॉल यानी कि बैठक रूम पब्लिक। ये रूम दिखाया मैंने आप लोगों को, तो इसके जस्ट साथ में ही अटैच्ड है ये हमारा हॉल है यानी कि बैठक रूम, जो मैंने बताया था आपको ड्राइंग रूम यानी कि। तो ये रूम बहुत बड़ा रूम है, देखिए वहाँ से लेकर एक खिड़की, ये दूसरी खिड़की, और इस तरफ को जहाँ पिलर दिखाई दे रहा है हमारा, ये पिलर अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है परे तक, और इस पिलर के आगे तक, मतलब बहुत बड़ा रूम है ये। मैं एक बार बैक कैमरा करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है हमारा ड्राइंग रूम, इसकी दो खिड़कियाँ यहाँ से, और इस पिलर से उस पिलर तक अभी दीवारें लगेंगी, और वहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार और विंडो भी। तो और यहाँ पर आएगा इसका दरवाज़ा, जहाँ हमारे अभिनंदन जी खड़े हैं वहाँ पर आएगा इसका दरवाज़ा, बड़ा सा दरवाज़ा। ये तो मैंने आपको पहले ब्लॉगों में भी बताया है कि यहाँ से है नज़ारा, यहाँ से पूरी बेली दिखती है पीछे को, देखिए इस विंडो से भी और इस विंडो से भी, जो मेरे ड्राइंग रूम के दोनों विंडोज़ है उससे पूरी बेलीज दिखती है यहाँ पे। पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है यहाँ पे, डोबी पॉइंट जो कि बहुत फेमस है मनाली का, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, तो यहाँ से वो साफ साफ दिखती है। पब्लिक जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये अपना पैराग्लाइडिंग उड़ ही नहीं रहे होते हैं, कभी ना कभी तो पक्का दिखाऊंगा पब्लिक आपको जब पैराग्लाइडिंग उड़ रहे होंगे, पर फिलहाल तो है नहीं, तो अभी क्या दिखाऊं। तो नज़ारा देखिए फिलहाल, ये देखिए पब्लिक मेरे विंडो का नज़ारा, यहाँ से पूरी वैली दिखती है। ये मौसम देखिए कितना सुहाना लग रहा है, दूसरी विंडो से तो और भी साफ साफ नज़ारा, देखिए ना पब्लिक, ये देखिए पब्लिक, जन्नत है पब्लिक, जन्नत, हिमाचल बोले तो जन्नत पब्लिक। कि हमारे साथ नए मिस्त्री जी आलोक प्रकाश जी, तो ये नए मिस्त्री आए हैं, दो दिन हो चुका है इनको लेकिन मुझे पता नहीं था। तो कैसे हैं आलोक मिश्रा जी आप, सॉरी आलोक प्रकाश जी, अरे मुंह दिखाइए ना, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, हम भी मस्त है मस्त। अरे इन्होंने पूछा ही नहीं, पोपट हो गया ये तो। नहीं होंगे आप हमारे फेमस जी मिस्त्री, फेमस मिस्त्री, हाँ जी इंद्रदेव जी, देखिए इधर इंद्रदेव जी। तो इंद्रदेव जी आज मौसम खराब है तो आज गरज नहीं रहे हैं, अपना मुंह भी नहीं दिखा रहे। हाँ जी इंद्रदेव जी, एक बार तो देखिए, हमारी पब्लिक देखना चाहते हैं, अरे दिखाइए ना, अरे शर्माइए मत, अरे इंद्रदेव जी शर्मा गए हमारे इंद्रदेव जी। इंद्रदेव जी बड़े ही ईमानदार, बोले बहुत ही अच्छे आदमी है,
तो देखिए काम भी बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ देखिए कितनी स्मूथ दीवार दी है एक सीध में यहाँ से यहाँ तक हमारे इंद्रदेव जी ने। बहुत ही भले आदमी है हमारे इंद्रदेव जी, और ये गायकार भी है बहुत बड़े। क्या हमारे अभिनंदन जी, तो कैसे हो आप अभिनंदन जी? ठीक है ठीक। तो आज जर्दा नहीं खा रहे हो क्या? आज नहीं खा रहे। और जो खावे जर्दा वो कभी नहीं मरता। कहाँ गए हमारे आज मनीष? और हाँ मनीष मिस्त्री जी को तो बताना ही भूल गया, वो दो दिन से लेबर का काम कर रहे हैं। मैं उनको दिखाता हूँ, चलिए उनके पास चलते हैं। मैं नीचे जा ही रहा था मनीष मिस्त्री जी के वहाँ की, हमारे आलोक प्रकाश मिस्त्री जी ने नया डायलॉग बताया। बताइए ना मिस्त्री जी, बोलिए एक बार आप भी। जो खा जर्दा 100 साल नहीं मरता। ओ ये कह रहे जो खा जर्दा 100 साल नहीं मरता, क्या बात है मिस्त्री जी, क्या बात। और यहाँ पर लिख जर्दा तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ भी मत पिए, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक चीज है, इससे दूर ही रहिए, उतना ही बेटर है पब्लिक। हमारे मनीष मिस्त्री जी यहाँ अकेले में बैठ कर छुप छुप कर पता नहीं क्या देख रहे हैं फोन में। हाँ जी मनीष मिस्त्री जी, क्या हाल चाल है आपके? तो ये हमारे मनीष मिस्त्री जी दो दिन से लेबर का काम कर रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये अपनी दुनिया से दूर ही चले जा रहे। और ये देखिए इन्होंने ये इसका सारा ले लिया, अब ये उठा रहे ईंट उठा रहे अपने मनीष मिस्त्री जी। ये कह रहे कि मैं 8-10 दिन यही लेबर का काम करूँगा फिर मिस्त्री बैक आ जाऊँगा। तो एक अपना डायलॉग सुनाइए ना, जो खावे जर्दा वही है असली मर्दा। हाँ क्या बात है, जो खावे जर्दा वही असली मर्दा, क्या बात है क्या बात है। तो घर का काम चला हुआ है ऊपर पूरे जोरों शोरों से, हमारे दो दो तीन तीन मिस्त्री जी लेबर जी सब लगे हुए हैं। तो मैं फिलहाल नीचे आ गया हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ नए ब्लॉग में पब्लिक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार पब्लिक।